आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो टचअप करूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैं अपने फेस को हमेशा कवर करके जाती हूँ। मैं आज आपके साथ ये बताना चाहूँगी, आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि हम अपने फेस को किस टाइप से, कितने तरीक़ों से हम स्कार्फ से अपने फेस को कवर कर सकते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रैफिक होता है या फिर धूल मिट्टी हमारे फेस पे आ जाती है, बालों पे आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमने हेयर को एंड अपने फेस को कवर करके चलें, बिकॉज हमारे फेस पे प्रॉब्लम ना हो या पिंपल्स ना हो। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप स्कार्फ कितने तरीके से पहन सकते हैं। एंड उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हम शॉपिंग से पहले या फिर हम बाहर ऐसी छोटी सी जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ आप किस तरीके से कपड़े पहनेंगी, किस तरीके एयरिंग्स आप पहन सकती हैं और किस तरीके का टचअप आप कर सकती हैं। सबसे पहली बात, जब हम शॉपिंग पे जा रहे हों अपनी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ ज़रूरी है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बिकॉज धूप में आपके जो ये हाथ हैं, जो यहाँ तक आप अगर स्लीव्स पहनेंगी तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हैं, स्लीव्स कब ज़रूरी है कि जब अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हों या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हों तब वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड के साथ जा रही हैं, किसी गर्लफ्रेंड के साथ जा रही हैं, तो वहाँ ज़रूरी है आपके फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको धूल मिट्टी से बचाव मिलेगा और आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी और आपकी स्किन सन से बचेगी। उसके लिए ज़रूरी भी है कि आप सन लोशन यूज़ करें, स्लीव्स पहनने से पहले सन लोशन यूज़ करें। अगर आपका मन है कि मैं स्लीव्स ही पहनूं, तो आप सन लोशन यूज़ कर सकती हैं। एंड मेरा सजेशन यही है कि आप अगर शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो भी आप फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहने। पूरा कवर अप किया हुआ, देखिए मैंने इस तरीके का कुर्ता आज पहना है, बिकॉज मुझे शॉपिंग जाना है, तो मैं धूप से बचने के लिए, अपनी स्किन को बचाने के लिए, इसलिए आप मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अपने शॉपिंग करने जा रहे हैं, उस टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ। और आप धूल मिट्टी से बचाने के लिए अपने फेस को कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको स्कार्फ बांधना सिखाऊंगी और किस टाइप से, कितने तरीके से आप अपने स्कार्फ को बांध सकती हैं, जींस पे किस तरीके का स्कार्फ पहन सकती हैं और साड़ी पे किस तरीके का स्कार्फ पहन सकती हैं होंगी। एंड मैंने अपनी बॉडी पे तो लगा ही लिया है। ज़रूरी है कि आप ये स्लीव्स पहनने से पहले तो लगाएं, और अगर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं उसके बावजूद भी आप इसको अप्लाई करें। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रही हूँ अपने फेस पे, बिकॉज मुझे ज़्यादा डार्क मेकअप तो करना नहीं है, मुझे लाइट मेकअप करना है और सन से बचना है, इसलिए मैं हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ। दैट्स इनफ, लगा लिया है मैंने अपने फेस पे। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ करूँगी, लिटिल बिट, थोड़ा सा बस, बिकॉज हम बाहर जा रहे हैं, ज़रूरी भी है कि हम थोड़े ब्यूटीफुल दिखें, बिकॉज ये हमारी पर्सनैलिटी की डिमांड होती है। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं सजते हैं, ज़रूरी होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। ओके, मेरे फेस पे लग गया है। एंड आफ्टर दैट मैं फेस पाउडर यूज़ करूँगी, कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मैं शॉपिंग जा रही हूँ, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जा रही हूँ। कंसीलर हमारे फेस पे ग्लो लाने के लिए होता है, जिससे कि हमारे आईज़ के नीचे जो भी डार्क सर्कल है या फिर जो भी निशान वगैरह होते हैं उनको छुपाने के लिए। वादा में मेरे निशान है नहीं, लेकिन फिर भी कंसीलर हमारे फेस को ग्लो लाने में एक हेल्प करता है। उसके बाद मैं अपने फेस पे अभी फेस पैक लगाऊंगी, फेस पाउडर यूज़ करूंगी, मतलब अपने फेस पे फेस पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं अब इसको हल्का हल्का अपने
फेस पे लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अभी फाउंडेशन लगाया है, सो हमारे फेस पे ये फेस पाउडर फाउंडेशन को अच्छे से कवर कर सकता है, हमारे फेस पे एक न्यू लुक दे सकता है। फेस पाउडर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी कंसीलर के अपने फेस पे लगा सकते हैं और अच्छा सा खूबसूरत सा ग्लो भी दिख सकता है आपके फेस पे, आपका फेस ब्यूटीफुल लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक फेस पाउडर लगाने से। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी तैयार होना है, आप कुछ नहीं यूज़ करना चाहती हैं, तो सिंपल या फेस पाउडर अपने फेस पे लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, इट्स इनफ, हो गया मेकअप, फेस पाउडर लग गया है। अब मैं यहाँ पे इसको ब्लश करने के लिए यूज़ करूँगी कलर कॉम्पैक्ट। मैं हल्का हल्का ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे ब्लश करना बहुत पसंद है अपने फेस को, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। इतने 6 कलर्स हैं, मैं हमेशा लाइट कलर यूज़ करती हूँ, डार्क कलर मुझे पसंद नहीं है। बट हाँ, मुझे कपड़ों में डार्क कलर हमेशा बहुत पसंद है। एंड उसके बाद माय फेवरेट थिंग, व्हाट, लाइनर। बट लाइनर से पहले मैं थोड़ा सा अपने आईज़ पे, हम अपने फेस को कवर करेंगे तो ज़रूरी है हम आई मेकअप भी अच्छा सा करें, तो मैं यहाँ पे आई शैडो के उसमें लगाना चाहूँगी गोल्डन कलर, बिकॉज गोल्डन कलर इज़ माई फेवरेट। इट्स इनफ, हो गया। अब मैं यूज़ करूँगी लाइनर, लाइनर मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं लाइनर जब भी लगाती हूँ बहुत मोटा मोटा यूज़ करती हूँ। लाइनर मेरी दोनों आईज में लग चुका है, ब्यूटीफुल लग रहा है। अब बारी है थ्रेडिंग की, थ्रेडिंग को हम फिल करते हैं इसके साथ। मेरा आई शेडो बहुत अच्छा है, मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ जब भी मुझे मेकअप करना होता है या मुझे अपने आईब्रोज़ को फिल करना होता है, मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ आई शेडो के रूप में भी। और वैसे भी मैं अभी आपको हेयर स्टाइल बनाना भी बताऊँगी जब हम घूमने जाएँ तो किस टाइप के हेयर स्टाइल हम यूज़ कर सकते। वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप अपने बालों के साथ खेल सकते हैं, किस तरीके से आप नए नए हेयर स्टाइल बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 5 या 6 हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसके साथ एयरिंग्स मैच करूंगी, एयरिंग्स मैं किस टाइप के पहनूंगी, मैं गोल्डन भी इस पर यूज़ कर सकती हूँ एंड ब्लैक, ब्लैक भी मैं इस पर यूज़ कर सकती हूँ, ब्लैक तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस पर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमको किस तरीके के एयरिंग्स पहनने हैं। दिस नॉट मैच एंड रेड एयरिंग्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना,
सुपर कूल एंड इसके बाद मैं ब्लश हाइलाइटर। धूप में हम जा रहे हैं, धूप में ज़रूरी है हमारा फेस चमके, इट मीन्स चमकने से मतलब है आपका फेस खूबसूरत दिखे। ज़रूरी ये सब चीज़ें क्यों होती जा रही हैं, बिकॉज ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें। यह सिर्फ सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करके रखती हैं। आप एक वाइफ हैं या आप एक हाउस वाइफ हैं, या आप टीचर हैं, या आप ऑफिस वर्क करती हैं, या आप जॉब करती हैं, कुछ भी आप करती हैं, उस तरीके के हर तरीके से आपको खुद को मेंटेन करके रखना होता है। तो इसलिए हमारा मेकअप बहुत ज़रूरी है। किस कलर के साथ डेकोरेट करती हूँ, सजाती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट कलर है मेक वेल की लिपस्टिक में। यहाँ यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर। लिपस्टिक अच्छे से लगाती हूँ मैं अपने फेस पे। कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट मैं इसको जब हम कहीं बाहर जाते हैं या शॉपिंग पे जाते हैं, मूवी जाते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम सेल्फी ना लें। हम ना लेंगे तो हमारे साथ जो जाएंगे वो सेल्फी ज़रूर खींचते हैं, और हम कहीं ना कहीं सेल्फीज़ में ज़रूर दिखते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके लिप्स भी ग्लोइंग दिखें, आपके लिप्स ब्यूटीफुल दिखें। मैं अपने थोड़े से काजल यूज़ करना चाहती हूँ। हल्का हल्का काजल मैंने लगाया है, इससे आईज ब्यूटीफुल दिखेंगे। बिकॉज आप स्कार्फ पहनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आईज ही नज़र आने वाले हैं और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि आईज का मेकअप ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो। और मैं हेयर स्टाइल यहाँ पे करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हम रिंग पहन लेते हैं, बिकॉज रिंग पहनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हम अपने हाथ से ही चीज़ें देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली दो रिंग यूज़ करूँगी, दिस इज अ गोल्ड एंड इस पैटर्न ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। खूबसूरत रिंग्स लग रही हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं हेयर स्टाइल। मैं यहाँ पे सिंपल बनाऊँगी बिकॉज मैं बाहर जा रही हूँ, सिटी से बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मैं इनको सिंपल तरीके से बांधूंगी जिससे कि ये मुझे बार बार परेशान न करे। और जब हम कार से जा रहे होते हैं हम अपने बाल को खोल भी सकते हैं, लेकिन जब हम जा रहे हैं स्कूटी से उस वक्त हम बालों को नहीं इतना खोल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर पिनअप कर लेती हूँ अच्छे से। लुक ऑसम। Thank you.
कि हम स्कार्फ को कितने तरीके से बांध सकते हैं। सो सबसे सिंपल और इजी है कि जब आपको अपनी हेयर स्टाइल भी कवर नहीं करनी है और फिर भी आपको स्कार्फ बांधना है। सो हम अगर स्कार्फ को पूरा खोल के दिखाएं आपको, फर्स्ट इसका स्कार्फ, ये स्कार्फ है, पूरा स्कार्फ है। एंड इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके चार कोने हैं सो इसको छोड़ देंगे एंड इसको पकड़ लेंगे। इसके बाद इसका ये वाला कोना इससे जोड़ना है, दिस इस टाइप का बन गया है। इसके बाद हम इसको अपने फेस के हिसाब से पकड़ेंगे, इसको ऐसे अपने फेस पे लगा के पीछे की तरफ, या तो हम इसे क्लीन अप कर लेंगे या तो हम इसे क्लीन अप कर लेंगे या फिर हम इसको बांध लेंगे एक या दो बार। दिस अ ब्यूटीफुल स्कार्फ, ये हमारे जींस के लिए सबसे बेस्ट है। ये हमारे जींस के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद दूसरा स्टाइल, सेकंड बांधेंगे एंड इस तरीके से इसको पकड़ना है। चारों कोने इसके मैंने खोल दिए हैं, उसके बाद आप इसको ऐसे अपने फेस पे पीछे की तरफ बांधेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको बांध लिया है, अब आप इसको इस तरीके से पीछे डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल है, इजी है और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। लाइक आपने दुपट्टा भी डाल रखा है, स्कार्फ भी बांध रखा है फेस पे, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये बहुत ही थर्ड इज, ये हमारा पूरा स्कार्फ है और इसको हमें फिर से कॉर्नर जोड़ना है और उसके बाद हमें अपने फेस को भी कवर करना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दिस टाइम इसको सर पे बांधना है ऐसे, इसको ऐसे दबाना है। ये हमारा इसका पहले से ही सेट आया हुआ है सो हम इसको ऐसे ले जाएंगे। इससे आपका पूरा प्यारा फेवरेट, इसको यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं। लुक, ये साड़ी वगैरह के लिए बेस्ट है। एंड योर आईज, इट्स ऑसम, सुपर्ब आपकी आईज लगेंगे स्कार्फ के बाद। लुक, फॉर द शॉपिंग टाइम। ये बहुत ही प्यारा लुक है, किसी भी शॉपिंग टाइम आप जब तैयार होती हैं उसके लिए बहुत ही प्यारा लुक है। आप स्कार्फ में भी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, आप स्कार्फ में भी अच्छे दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ओपन ओपन रह के ही शॉर्ट्स में ही सुंदर दिखेंगी, आप सादगी में भी बहुत सुंदर दिख सकती हैं, खूबसूरत दिख सकती हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ और प्लीज़ प्लीज़, बाय बाय।